मित्रों, आज राजौरी विधानसभा चुनाव में आपके प्रिय मित्र नेता सुभाष भाऊ धोटे महाविकास आघाड़ी के तरफ से इस चुनाव भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए हजारों लोग आप इधर शामिल हुए। यहां के हमारे महिला नेता, हमारे मां, हमारे बहन, हमारे भाई लोग, ये मत समझो मैं दिल्ली से नहीं आया हूं। मैं आपके पड़ोसी हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हूं। आप लोग हमारे जुड़वा भाई लोग हैं, क्योंकि जब हैदराबाद राज्य था, निजाम के सरकार में हम लोग सब मिलजुल के हैं। पहला चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुआ था, तब हैदराबाद राज्य में आप लोग थे, कोंडा लक्ष्मण बापूजी यहीं से उम्मीदवार जीतकर हैदराबाद राज्य में बहुत कीमती भूमिका निभाए। उसके बाद निजाम सरकार के जो हैदराबाद राज्य, हैदराबाद महाराष्ट्र, ज्यादा से मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में मिला दिए, जो कर्नाटक कन्नड़ का बोलने वाले को हैदराबाद कर्नाटक में, कल्याण कर्नाटक में मिला दिए, जो ज्यादा से ज्यादा तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद तेलंगाना बनकर उसमें हमको भर्ती किए। मगर राज्यों में अलग अलग होगा, आप महाराष्ट्र राज्य में होगा, हम तेलंगाना राज्य में होगा, हमारे भाई लोग कर्नाटक राज्य में होगा, मगर हम सब लोग एक ही परिवार के हैं। हम सब लोग अच्छे बुरे में हम लोग सब मिलजुल कर रहना जरूरी है। आपके बगल में सिरपुर, कागजनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद आपके अगल बगल में है। बहुत सारे यहाँ के नौजवान लड़कों को शादी करना है तो आसिफाबाद आना है, नहीं तो आदिलाबाद आना है। यहां से बहू को लेकर जाना है तो हम भी मेहमान बन के आपके ने आने का जरूरी है। राज्य अलग हुआ मगर रिश्ता तो अलग नहीं हुआ, आज भी वो रिश्ता है। इसीलिए हमारे भाई बहनों से मिलने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सुभाष भाऊ धोटे जी को यहां से भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए आपके भाई बनकर, आपके रिश्तेदार बनकर मैं इधर आया हूं। मैं एक ही बात साफ कहना चाहता हूं, हम बचपन में स्कूल में किताबों में पढ़ते थे, ये महाराष्ट्र वीरों का धरती है। हम किताबों में पढ़ते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ते थे। हम किताबों में पढ़ते थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में। संविधान ने जिस देश को दिया हुआ है, ये धरती का पुत्र है। हम लोग पढ़ते थे फूले जी के बारे में। तो मैं ये बात कहना, साफ कहना चाहता हूं, हम इतिहास में किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ज्योतिराव फूले जी के बारे में,
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे। उसके बाद हम कॉलेज में आने के बाद हम युवा होकर राजनीति के बारे में चर्चा करते हुए समय पर बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार के बारे में हम सुनते थे। मगर आज के तारीख में महाराष्ट्र इस हिंदुस्तान में दूसरे बड़ा राज्य है। मगर जब केंद्र सरकार को जब पैसे कमा के देने में महाराष्ट्र पहले है सबसे ज्यादा। आप लोग मेहनत करते, आप लोग पसीना निकाल के आपके पसीनों का पैसे नरेंद्र मोदी जी को देते जा रहे। आज मुंबई, मैं इस समय पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 6 बड़े बड़े शहर दिल्ली बीजेपी के साथ नहीं है, बेंगलोर बीजेपी के साथ नहीं है, चेन्नई बीजेपी के साथ नहीं है, कलकत्ता बीजेपी के साथ नहीं है, हैदराबाद शहर बीजेपी के साथ नहीं है, पिछले बार मुंबई भी बीजेपी के साथ नहीं था, महाविकास आघाड़ी के साथ में था, मगर कहीं उन लोगों को जगह नहीं मिला। मगर महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एकनाथ शिंदे जो धोखा है, धोखा देने वाले जो उनको भरोसा करके बाला साहेब ने उनको मंत्री बनाया, वो मंत्री बनकर उद्धव ठाकरे जी के पीठ में चूरा भोग कर धोखा देके धोखाबाज बन के वो गुजरात के गुलाम बन गए। और दूसरा, शरद पवार जी ने अपना बेटा समझकर अजित पवार को मंत्री से आगे उप मुख्यमंत्री भी बनाया, अपने चाचा को खुद पेट में चूरा बोक कर धोखा देने वाले अजित पवार हैं आज के तारीख में। हमारे मराठी भाइयों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप किसके वारिस है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के वारिस है? महाराज हिंदुस्तान में अगर आप सर उठा के बोलना है तो ये धोखेबाजों को, ये धोखा दिया हुआ शिंदे को, अजित पवार को दफन कर देना तो ये आपके, तभी मराठा योद्धाओं का, हमारे मराठी भाई बहनों का नाम रोशन हो जाएंगे इस हिंदुस्तान में।